फ्रेंड्स वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों जैसे कि हमारी बात हो रही थी आपसे टीजीटी फिजिक्स में, और हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर में देखा था आवेश के गुण के बारे में, और आज हम उसी से जस्ट कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने वहां पे आपको टू टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बता दिए थे, और मैं आपको बोला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और कॉन्सेप्ट दूंगा। चलिए वहां पे हमने देखा था कि फर्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट ये था कि हमने ये आवेश का आपको बताया था प्रॉपर्टी या गुण बताया था कि आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात आवेश को हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारी बातें हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे आपको जो हमारे तीन न्यूमेरिकल्स हैं, दो टाइप्स हो गए हैं, तीन न्यूमेरिकल्स ए हैं, यानी आपके टोटली पाँच टाइप के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। पहला न्यूमेरिकल्स ये कहता है कि सी यू यानी कॉपर पर डबल चार्ज है प्लस प्लस पर आवेश की मात्रा होगी, और आई होप कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। पहला विकल्प में कह रहा है 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम, और बी है हमारा ऑप्शन जो है 2.3 × 10⁻²⁰ कूलम, और सी है हमारा जो विकल्प में वो दिया है 3.2 × 10⁻¹⁸ कूलम, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दोस्त मैं जैसा कि आपको बताया था कि जो एकदम शून्य से हम स्टार्ट किए हैं, जिस बंदे को थोड़ी सी भी अगर फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है वो एकदम हमारा लेक्चर बैक टू बैक देखे, और आई होप कि आपको फिजिक्स समाप्त होते होते आप शून्य से शिखर तक फिजिक्स में आपको पहुँचाने का मेरा वादा है। देखिएगा ये कितना आसान क्वेश्चन है। मैंने लास्ट फार्मूला आपको क्या बताया था, बताया था कि Q इजकल टू प्लस माइनस एन ई, यही फार्मूला आपको बताया था कि नहीं। यहाँ पर देखो सी यू डबल प्लस यानी आपको ये क्या दे रखा है, आप देखो ये दे रखा क्या है आपको, ये दिया क्या है आपको, यानी दे दिया है Q इजकल टू प्लस टू ई, क्या दे दिया है टू ई, यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है। और आप जानते हैं किसी एक वस्तु पे जो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा होती है वो क्या होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब देखिए आप जस्ट इसी फार्मूला में इसको आप अप्लाई करिए, यानी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा आपको, बहुत एकदम शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, तो क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए एन इंटू ई, अब ई का मान क्या होता है मैंने आपको बताया है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये हमने आपको बता रखा है, ठीक है। अब देखो यन का मान क्या कर दिया प्लस प्लस यानी दो, कितने जितने होंगे यहाँ पे चार्ज वही यन का मान होता है, तो ये यन का मान हो गया हमारा दो, तो यहाँ पे लिखो 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ यानी कितना हो जाएगा 16×32 यानी हो जाएगा 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीके से आप एकदम चीजों को एकदम बारीकी से पकड़ते जाइए, जब आप बारीकी से देखिएगा तो आपको एकदम सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आप एकदम देखते रहिए चीजों को कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, आप मेन चीज आप थ्योरी को पकड़िए, थ्योरी मैंने आपको लास्ट वीडियो में टोटली बताया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, विकल्प ए इसका करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं और आप आसानी पूर्वक इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु पर समान आवेश से 12 इलेक्ट्रॉन्स अधिक है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो निगेटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है अधिकता, थ्योरी पे जाओ, थ्योरी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स, कोई वस्तु ऋण आवेशित कब होती है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या हो और आ जाए तब वो वस्तु क्या होती है ऋण आवेशित होती है। अब देखो कह रहा है कि एक वस्तु पर समान आवेश से 12 इलेक्ट्रॉन्स अधिक है, यानी आप यहाँ पे लिख लो, पहले ही ये बता दें कि 12 इलेक्ट्रॉन्स अधिक है तो इसकी क्या होगा करेक्टरिसिटी, इसके गुण क्या हो गए, निगेटिव चार्ज को प्रदर्शित कर रहा है, माइनस लगा लो कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स, तथा दूसरे पर समान आवेश से 16 इलेक्ट्रॉन्स कम है। अब धन आवेशित वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, यानी क्या होता है
जो हमारा धन आवेशित वस्तु होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16 इलेक्ट्रॉन्स कम है, यही तो कह रहा है 16 इलेक्ट्रॉन्स कम है। यदि इन्हें एक दूसरे के संपर्क में रख दे तो संपर्क वस्तु की प्रकृति प्रकृति एवं आवेश की मात्रा ज्ञात क्या होगी, वही आपको बताना है। विकल्प ए में कह रहा है 6.4 × 10⁻²⁰ कूलम, विकल्प बी में कह रहा है 7.8 × 10⁻¹⁹ कूलम, और विकल्प सी में कह रहा है 6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा आपको करना क्या है, अब कह रहा है तो Q इजकल टू टोटल आप कोई क्या निकालना है, अगर N निकाल लेंगे तो आप शायद इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। Q इजकल टू आप माइनस लगाइए क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखिए, Q इजकल टू आप माइनस लगा लिए और 12 प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है 16 की कम हो रहा है, तो आप यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। अब देखो 12 माइनस 12 और 16 ये कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, भैया माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और साइन किसका लेंगे प्लस का, तो कितना हो जाएगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी क्या हो गया, पहले नंबर तो आपको ये पता चल गया कि ये किस प्रकार किसकी प्रकृति क्या होगा, धनात्मक होगा। प्रकृति कैसी होगी इसकी, धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, धनात्मक आ रहे हैं, प्राकृतिक तो आपको पता हो गया। अब आपको रही बात कि इस पे किस कितने चार्ज है, कितने आवेश है, तो आपको मैंने चार्ज निकालने का फॉर्मूला बताया है कि इक्वल टू प्लस माइनस यानी करना है। अब यहाँ पे प्लस है, ठीक है कोई बात नहीं, माइनस को हम लोग हटा देंगे, प्लस वाला कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा होगा क्या 4 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी एक वस्तु पे जो इलेक्ट्रॉन्स का मात्रा होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। तो आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 16×64 हो जाएगा ये, यानी 6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस विकल्प में है आपका, यानी विकल्प नंबर आपका सी इज द राइट। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, और ये बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करके जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 91 kg इलेक्ट्रॉन है आवेश की मात्रा होगी, कोई वस्तु है जिसका क्या है 91 kg, उस पर क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो उस वस्तु पे आवेश की मात्रा क्या होगी। पहला विकल्प दे रहा है आपको ए 1.6 × 10⁻³० कूलम, बी दे रहा है 1.8 × 10⁻¹⁷ कूलम, और सी दे रहा है कि 1.7 × 10⁻¹⁴ कूलम, और डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। आप इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम आपको बात करें, अगर ऐसे जहां पे आपको क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आपको एक फार्मूला मैं बता रहा हूं, उस फार्मूलों की आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालना होगा पहले, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए अगर जहां पर भी अगर इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स मिले किसी भी टाइप में, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है TGT में, तो जहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको पहले क्या फाइंड करना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर आप फाइंड कर लेंगे तो आराम से आप आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अगर n पता हो जाएगा तो यही तो होता है क्यू इजकल टू n। अगर आपने कहीं से n फाइंड कर लिया तो ये फार्मूला लगा देंगे, और e का तो वैल्यू आपको पता ही है कि e का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो आपको n फाइंड करना है, तो n के लिए एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, उसको आप नोट करिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिजिक्स तो यही चीज़ है कि जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी, और जब तक आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे आपको नए नए फार्मूला अप्लाई करने के लिए मिलेंगे, और यहीं से आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलते जाएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपको निकालना हो तो आप क्या फार्मूला लगाइएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, ठीक है, आपके लिए फार्मूला है इलेक्ट्रॉन्स का कुल द्रव्यमान क्या लगाना है, इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान बटा में
एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या लगाना है बटा में वन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखो यहां पे क्या दे रहा है, वन के जी इलेक्ट्रॉन है, कुल द्रव्यमान कितना है आपका वन के जी, और किसी भी एक इलेक्ट्रॉन्स का जो द्रव्यमान होता है, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होगी। आप जानते हैं कोई भी एक अगर इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मास होता है 9.1 × 10⁻⁴ आपका होता है -31 kg। आपको शायद ये चीजें क्लियर होंगी, ये एक इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आपको दिया है 91 kg इलेक्ट्रॉन है, यानी आपको E का कुल द्रव्यमान कितना है 91 kg। ठीक है, तो अब आप फार्मूला में अप्लाई रखिए, इसी फार्मूला में रखिए, यानी 91 upon 9.1 × 10⁻³-31। ठीक है, अब क्या हो गया kg × kg, ये से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या होगा, ये से कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पे बचा क्या, एक दशमलव है, तो इधर जाएगा तो ये 10 हो गया, ऊपर हमारा बच्चा कितना 10, राइट। यहाँ पे अगर हम हटाएंगे दशमलव तो एक जीरो यहाँ बैठ जाएगा, तो 10 बचा। अब देखो ये क्या है, नीचे है 10⁻³, ये जाएगा तो ऊपर इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी टोटल ये हो जाएगा हमारा, अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10⁻³² इलेक्ट्रॉन। इतनी बातें आपको समझ में आई, कितना हो जाएगा 10⁻³² इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा को आपको मैंने बताया था, अगर क्यू निकालना हो तो डायरेक्ट एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है, जो पढ़ाया था कि आवेश क्वांटीकृत होता है, उसी के जस्ट नीचे मैंने फार्मूला लिखवाया था आपको, q=ne, राइट। तो इतनी बातें अगर आपको क्लियर होंगी तो आप देखिएगा, यन आपने फाइंड कर लिया कितना है 10⁻³, अब लिखिए 10⁻³, ठीक है 10⁻³, और इसके बाद आप क्या लिखेंगे 10⁻³ के बाद आप लिखेंगे × 1.6 × 10⁻²⁹। जब आप मल्टीप्लाई करिएगा इसमें तो आपको मिलने वाला क्या है, देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, इसमें से आप माइनस करिए इसको, तो जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1.6 × 10⁻³, ठीक है +32 कूलॉम। यानी आप देखिए इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प क्या होगा सही, 1.6 × 10⁻³⁰ कूलॉम, ठीक है, यानी 1.6 × 10⁻³⁰ कूलॉम, ये क्या हो जाएगा आपका आवेश का मात्रा। अब यहाँ पे देखिए कौन से विकल्प में आपका ये है, तो ए विकल्प में है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको कोई भी अगर कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हुआ तो आप फार्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान बटा में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो आप वहां से फाइंड कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसके बाद आप क्या लगाइएगा फार्मूला q=ne, वहां से आप आवेश की मात्रा फाइंड कर सकते हैं। देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल से, अगर आपकी थ्योरी, आपके कॉन्सेप्ट और आपकी थ्योरी दोनों क्लियर हैं, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इजीली से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे, देखने में बहुत। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए पहला पॉइंट है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, और पॉइंट क्या कह रहा है कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, ध्यान से सुनिएगा, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता जबकि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। इसका मतलब आप समझिएगा कितना बड़ा पॉइंट है, अगर मान लो कि अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी या करेंट या चार्ज को फ्लो कराना है तो क्या हम करते हैं, क्या आवेश को फेंकते हैं क्या, नहीं, हम क्या करते हैं कनेक्शन करते हैं, वहां पे क्या किया मैंने वायर को टच किया और पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर गई, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो आवेश होता है वो क्या है, वेग पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर बात रही द्रव्यमान की, अगर ये मार्कर है मेरे भाई, अगर ये मार्कर है तो इसको अगर थ्रो करना है, इसको फेंकना है तो इसको वेग देना पड़ेगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि द्रव्यमान जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वेग पर डिपेंड करता है, लेकिन आवेश वेग पर डिपेंड नहीं करता है। आवेश को फ्लो करने के लिए हमको फेंकना नहीं पड़ना पड़ेगा, हमको क्या करना, हम कनेक्शन देते हैं और हमारे पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, फ्लो होने लगती है,
और सपोज दैट अगर ये मार्कर है इसको फेंकना है तो इसको बेग देना पड़ेगा, वेलोसिटी देना पड़ेगा, तब एक दूसरे एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। अब अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि आवेश जो होता है वो द्रव्यमान से बद्ध होता है। सबसे बढ़िया पॉइंट सुनिएगा, आवेश जो होता है वो द्रव्यमान पर द्रव्यमान से बद्ध होता है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि अगर वायर है, वायर में अगर चार्ज है तो वायर का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। लेकिन अगर हम लोग दूसरे वर्ड में बोल सकें तो बोलेंगे कि जो द्रव्यमान होता है वो आवेश पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब आप समझिएगा, अगर ये मार्कर है इसमें द्रव्यमान है तो क्या इसमें वो आवेश है क्या? नहीं। लेकिन अगर ये तार है, ये वायर है जो आपके आसपास में आपके घरों में वायर है, अगर वायर में अगर करेंट है उसमें चार्ज है तो उसमें द्रव्यमान है। तो दूसरे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आवेश जो होता है वो द्रव्यमान से बद्ध होता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश से बद्ध नहीं होता है। अब दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं, जैसे कि आप फोटान का नाम सुने होंगे, फोटान का विरामा द्रव्यमान शून्य होता है, इसलिए फोटान को आवेशित नहीं किया जा सकता। क्या? फोटान का जो विरामा द्रव्यमान शून्य होता है इसलिए फोटान को आवेशित नहीं किया जा सकता, अर्थात बिना द्रव्यमान के किसी भी वस्तु को हम लोग आवेशित नहीं कर सकते। बात मेरी समझ में आई आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जब दो चालकों को स्पर्श कराकर अलग कर लेते हैं तो उन पर आवेश की मात्रा बराबर भाग में बढ़ जाती है। अगर दो कोई चालक है, अगर दोनों को हम लोगों ने क्या किया, आपस में स्पर्श कराया, तो उन पे क्या होता है, जो हमारा आवेश होता है वो क्या होता है, बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसका मतलब समझिएगा, अगर ए और बी हमारी पहले कोई वस्तु है, हमने क्या किया, इन पे Q1 और Q2 क्या है, आवेश है। अब इनको हमने क्या किया, स्पर्श करा दिया। तो स्पर्श कराने के बाद Q1 पे क्या हो गया, Q' चार्ज हो गया, और बी वाले पे क्या हो गया, Q2' चार्ज हो गया। अब स्पर्श के बाद हमारा जो चार्ज होगा Q1 = Q2 = Q1 + Q2, यानी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा / 2। तो ये वाला भी फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, ये भी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताते आया हूँ, सारे कॉन्सेप्ट एकदम टू द पॉइंट में पढ़ाते जा रहा हूँ, फार्मूला नोट करते रहिएगा, सारे फार्मूला का आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स आप किए आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, इसलिए न्यूमेरिकल्स आपको करना कंपलसरी है। न्यूमेरिकल्स से आप भागो नहीं, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हो तो न्यूमेरिकल्स आपको एकदम चुटकी में आएंगे, फार्मूला आपको याद है तो। न्यूमेरिकल्स सिखाना मेरा काम है, मेरे ऊपर छोड़ दो आप। चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ से एग्जामर बहुत भयंकर क्वेश्चन बनाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कह कह रहा है पॉइंट सुनिएगा, स्थिर आवेशित कण अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं परंतु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते और ऊर्जा का उत्सर्जन भी नहीं करते। अगर मैं बात करूं, अगर आवेश जो है क्या हो, स्थिर हो, रेस्ट पोजीशन में हो, तो उस कंडीशन में क्या क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करता है लेकिन न तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, न ही एनर्जी का रेडिएशन करता है। समझिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि कोई अगर चार्ज स्थित है, ठीक है, स्थिर अवस्था में है, तो क्या क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करेगा, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये जीरो नहीं होगा। यानी Q = rest में, अगर Q हमारा रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, अगर बात करें हम लोग विद्युत क्षेत्र की, तो ये जीरो नहीं होगा लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा और एनर्जी का रेडिएशन भी नहीं होगा। राइट, ये पॉइंट आप समझे यहां से। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अगर नियत वेग से गतिमान आवेशित कण अपने चारों तरफ, अगर कोई हमारा क्या है, आवेश है और क्या कर रहे हैं वो नियत वेग से क्या है, गतिशील है, तो क्या करता है, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। वहां पर चार्ज रेस्ट में था तो क्या करता था, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता था, लेकिन अब चार्ज की कंडीशन चेंज हो रही है, क्या कर, नियत वेलोसिटी से क्या कर रहा है, चल रहा है, तो अब यहां पे क्या कंडीशन आ रही है कि वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ
चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, लेकिन इस कंडीशन में भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा, एनर्जी का उत्सर्जन नहीं करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, तो करेगा क्या क्या, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, बट एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा, नो रेडिएशन ऑफ एनर्जी। आप ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ये चीज़ें आप याद करके रखिएगा और ऐसे ही पॉइंट बनाकर लिखते जाइए और समझते जाइए। यानी विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होगा अर्थात ये उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र जीरो नहीं होगा हमने लिखा है ई इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा, बी इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा बी इक्वल टू नॉट जीरो, इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन, तीन कंडीशन बनती हैं और तीसरी कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में आपके तीनों चीज क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा और एनर्जी का रेडिएशन भी होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन भी होगा। कैसे, सुनिएगा, कौन सी, अगर हमारा त्वरित आवेशित कण अपनी चारों तरफ, अगर हमारा जो आवेशित कण है त्वरित गति से एक चले, तो क्या करेगा, अपनी चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। क्या करे, वह एक त्वरित, एक समान त्वरण से अगर गतिशील है तो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और ऊर्जा अर्थात एनर्जी का भी उत्सर्जन करेगा। यानी आप लिख लो Q क्या हो, अगर त्वरित गति से चल रहा हो त्वरित, तो ये क्या क्या करेगा, ध्यान से लिखिएगा, E इक्वल टू नॉट जीरो अर्थात क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी क्रिएट करेगा। दूसरा पॉइंट, B इक्वल टू नॉट जीरो अर्थात चुंबकीय क्षेत्र भी क्रिएट करेगा और एनर्जी का भी रेडिएशन करेगा अर्थात ऊर्जा का भी क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो ये सारे पॉइंट है आपके, उत्सर्जन करेगा। सारे पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा और जैसा कि आपको मैंने बताया था, हमारा विद्युत चैप्टर चल रहा है और विद्युत पढ़ने से पहले हमको चार्ज को समझना बहुत जरूरी था, तो यहाँ से हम लोगों ने आज चार्ज के टोटली कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्त आपके सामने, आपके मेन टॉपिक विद्युत को लेकर, और वहाँ पर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अब वाकई में इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, अगर वहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँगा तो आई होप कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो गाइस कैसा लगा लेक्चर, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।